थाना पुलिस नालागढ़ ने धोखाधड़ी के मामले में पंजाब के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान संजीव कुमार पुत्र देशराज निवासी जालसा तहसील राजपुरा जिला पटियाला पंजाब के रहने वाले से हुई है। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ओम प्रकाश पुत्र हरबंस लाल निवासी न्यू नालागढ़ ने 8 मई को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि नालागढ़ बाजार में एक व्यक्ति मिला था जिसने अपने आप को पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में सीनियर वकील बताकर बड़े बड़े जजों से जान पहचान का दावा किया था और कहा था कि आपके बच्चे को नौकरी लगा दूंगा, जिसके बाद आरोपी द्वारा पैसों की डिमांड की गई थी और करीब 2 लाख रुपए नकद व 6 किस्तों में कुल 6 लाख से अधिक पैसा दिया, जिसके कुछ समय बाद उनको ठगी होने का एहसास हुआ। पुलिस ने 8 मई को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। थाना प्रभारी श्याम लाल ने भाग सिंह ठाकुर के नेतृत्व में एक टीम गठित करी, जिसने आरोपी को पंजाब से पकड़ कर नालागढ़ लाया, जिसे कोर्ट में पेश कर 5 दिन का रिमांड हासिल किया। थाना प्रभारी श्याम लाल ने बताया कि आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार किया गया है, माननीय अदालत में पेश कर 5 दिन का रिमांड हासिल किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी से और भी कई मामलों का खुलासा हो सकता है। सर, क्या मामला है? हमारे पास 8 मई को श्री ओम प्रकाश और श्री हरबंस लाल न्यू नालागढ़ के रहने वाले हैं। ये आए कि इनको कुछ दिन पहले जो थे, मतलब 2021 में इनको एक व्यक्ति यहाँ नालागढ़ बाजार में मिला, जिसका नाम संजीव कुमार शर्मा देशराज, जो जालसा राजपुरा जिला पटियाला पंजाब का रहने वाला है। उसने बोला कि मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ और मेरे जो बड़े बहुत सीनियर जजेज हैं उनके साथ मेरी जान पहचान है और मैं आपके बच्चे को नौकरी लगवा दूंगा, पर उसके लिए कुछ पैसे लगेंगे। जिस पर जो शिकायत करता है हमारे उनके झांसे में आ गए और 6 किस्तों में कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 60,000, कभी 85,000, कभी 70,000 रुपया और 2 लाख रुपया नगद ले गए, जिस पर हमने अभी पंजीकृत किया था। और ये जो आरोपी है संजीव कुमार, इसको हमने पिछले कल गिरफ्तार कर लिया है। आज माननीय अदालत में पेश करके इसका पुलिस रिमांड हासिल किया जा रहा है। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।